अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिशत पारा, मैं सर्च मिशन पे अभी केटू पाया था, वालिद अली पारा और उसकी टीम जॉन सुनोरी और जेपी के। तो सारे टीम की बॉडीज हमें मिली है, लेकिन जो वालिद और जॉन सुनोरी की जो बॉडीज है वो बहुत टेक्निकल प्लेसेस पे है। उधर से नीचे लाना। अभी हम तीन टीम मेंबर्स हैं, मैं, पीके, शेरपा और एलिया। तो हम तीनों के लिए पॉसिबल नहीं है, वो टेक्निकल पार्ट पे है। और 8,400 के करीब उनकी बॉडीज है। तो अभी हम इंशाल्लाह यही कर सकता है कि आज कर सकते हैं कि वो बॉडीज को ऊपर इसी हाई एल्टीट्यूड पे रूट से, तो क्योंकि वो सेम रूट पे है, तो आगे पीछे करके बारी करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं हकीकत की आवाज़। कौमी हीरो अली सदपारा की लाश केटू पर ही महफूज कर दी गई। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी को मौसम सरमा में सर करने की मुहिम के दौरान जहां बहक होने वाले अली सदपारा की मैयत को पहाड़ों में पाकिस्तानी झंडे की निशानी के साथ महफूज कर लिया गया। इस वीडियो की अहम तफसीलात अभी जारी है, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। कौमी हीरो अली सदपारा की लाश केटू पर ही महफूज कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक दुनिया की बुलंद तरीन चोटी को मौसम सरमा में सर करने की मुहिम के दौरान जहां बहक होने वाले अली सदपारा की लाश पहाड़ों में ही महफूज कर दी गई। इनके साहबजादे साजिद अली सदपारा ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए पहाड़ों में पाकिस्तान का झंडा लगे एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा, हमारे हीरो की लाश केटू पर C4 के मुकाम पर महफूज कर दिया है। अर्जेंटीना से ताल्लुक रखने वाले एक कोपैमा ने लाश को बोटल नेक से कैंप 4 लाने में बहुत मदद की। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने इस मौका पर पूरी कौम की जानब से फातिहा खानी और कुरान की तिलावत की और मैयत को पाकिस्तानी झंडे की निशानी के साथ महफूज किया है। साजिद सदपारा ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं केटू पर बोटल नेक से 300 मीटर नीचे खतरनाक ढलवान से तन तनहा अली सदपारा का जस्ते खाकी निकालने के बाद एक अर्जेंटाइनी कोपैमा की मदद से इसे कैंप 4 वापस ले आया हूं। मैंने पूरी कौम की जानब से सूरत फातिहा और कुरान मजीद पढ़ा है और कौमी परचम लगाकर जस्ते खाकी मिलने की जगह को महफूज कर लिया है ताकि आइंदा इस मुकाम को बाकायदा शनाख्त मिल सके। याद रहे फरवरी में केटू पर लापता होने वाले पाकिस्तानी कोपैमा अली सदपारा की लाश 2 दिन कबल केटू के बोटल नेक से 300 मीटर नीचे, जबकि इनके 2 और साथियों में से एक की लाश बोटल नेक से 400 मीटर नीचे मिली थी और ये मुकाम डेथ जोन में 8200 से 8400 मीटर की बुलंदी पर वाकई है। वजीर इत्तलात गिलगित बिलिस्तान की जानब से भी तस्दीक की गई थी कि अली सदपारा और इनके साथियों के जस्ते खाकी मिल चुके हैं। इससे कबल पीर की सुबह से सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि मरहूम को पैमा मोहम्मद अली सदपारा का जस्ते खाकी तलाश कर लिया गया है। मोहम्मद अली सदपारा मरहूम की मैयत केटू बोटल नेक से 300 मीटर के फासले पर मिली। वाज़े रहे कि मौसम सरमा में ऑक्सीजन के बगैर केटू सर करने की कोशिश के दौरान 5 फरवरी को लापता होने वाले पाकिस्तान के कोपैमा मोहम्मद अली सदपारा, आइसलैंड के जान सनोरी और चिली के कोपैमा जान पाब्लो मोहर की मौत की सरकारी तौर पर तस्दीक की गई थी। गिलगित बिलिस्तान के वजीर सजाद राजा नासर अली खान और कोपैमा मोहम्मद अली सदपारा के बेटे कोपैमा साजद सदपारा ने सकर्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अली सदपारा और 2 गैर मुल्की कोपैमा अब हम में नहीं रहे। कोपैमा मोहम्मद अली सदपारा अपने 2 गैर मुल्की साथियों समेत 5 फरवरी को केटू की खतरनाक चढ़ाई बोटल नेक के करीब लापता हुए, जिनकी तलाश के लिए 12 रोज तवील तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी।
सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरफ अलवी ने को पैमा मोहम्मद अली सदपारा की मौत की सरकारी तस्दीक पर इनके अहले खाना से इजहार ताजियत करते हुए कहा, अल्लाह ताला कौम के अजीम सपूत को जन्नतुल फिरदौस में जगह अदा करे। उधर गुलूकार अली जफर ने मोहम्मद अली सदपारा को खराज तहसीन पेश करते हुए अपना गाना पहाड़ों की कसम अजीम को पैमा के नाम कर दिया।